स्टूडेंट सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक रेशनल नंबर चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3। सो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट। सो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5/8 फ्रॉम -3/8। -3/8 में से 5/8 को माइनस करना है। तो जब आप माइनस करेंगे देखिए आपके पास क्या आएगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा एलसीएम। तो देखिए 8 आपके पास क्या आ गया, आप इस तरह लिख लीजिए 3/8 -5/8। एलसीएम आ गया आपके पास 8, कितना आएगा -3 -5, कितना आ जाएगा -8 अपॉन 8। 8 से 8 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इज योर आंसर। बी पार्ट देखिए इसका, बी पार्ट आपको दे रखा है दैट इज -6/13 फ्रॉम 7/13। आपको 7/13 में से 6/13 को माइनस करना है। तो 7/13 -6/13, ठीक है। तो आप देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे इसमें 7 प्लस 6 अपॉन 13 आ जाएगा। तो कितना आएगा 13/13, आंसर कितना आ जाएगा 1 इज योर आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट में क्या दे रखा है, -7/16 फ्रॉम 3/4। आपको 3/4 में से 7/16 माइनस करना है। सो 3/4 -7/16, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 3/4 प्लस 7/16। एलसीएम आ गया आपके पास 16, देन 4 से 16 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, उस 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे। देन 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई 7 के साथ कर देंगे। 12 प्लस 7 अपॉन 16 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा 19/16 इज योर आंसर। देन नेक्स्ट देख लेते हैं डी पार्ट इसका। डी पार्ट हमें गिवन है 5/12 फ्रॉम -1/2। आपको -1/2 में से 5/12 को माइनस करना है। तो -1/2 -5/12 ये हो गया। एलसीएम ले लेते हैं कितना आएगा, एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं 2/12। तो 2/6 = 12, 2/1 = 2, 2/6 = 12, देन 1/3, 3 से हो जाएगा 1, 1 कितना आ गया 12 आ गया, एलसीएम आ गया आपका 12। तो 2 से 12 को डिवाइड किया आपने तो आपके पास 6 आ जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी। देन 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 5 × 1, कितना आ गया आपके पास -6 -5/12, आंसर आएगा आपके पास -11/12, बिकॉज 6 और 5 के साइन क्या है सेम है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ऐड होगा, बट साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ई पार्ट। ई पार्ट देखिए स्टूडेंट, ई पार्ट हमें दे रखा है 4/5 फ्रॉम -2/9। -2/9 में से 4/5 को माइनस करना है। तो -2/9 -4/5, इन दोनों को एलसीएम आ गया आपके पास 45। 9 से 45 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। ओके देन आप क्या करेंगे, आप 5 से 45 को डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे। तो देखिए कितना आ गया -10 माइनस कितना हो जाएगा 36 अपॉन 45। तो 36 में माइनस माइनस साइन दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 36 प्लस 10 कितना हो जाएगा -46 अपॉन 45 इज योर आंसर। देन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट हमारे पास -2/15 फ्रॉम -3/5। एलसीएम में आपका कितना जाएगा 15 आ जाए, निकाल के देख लेते हैं एलसीएम 15/5, 3 से हो जाएगा 3/5 = 15, 5 आ जाएगा 5 × 5 1, 1। तो एलसीएम आ गया आपके पास 15, तो -2/15 -3/5 में से आपको -2/15 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एलसीएम आ गया आपके पास 15, 5 से 15 को डिवाइड किया 3 आ गया, उस 3 की मल्टीप्लाई आप -3 के साथ कर देंगे। देन 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा -9 -2/15, तो कितना आ जाएगा -11/15 इज योर आंसर। देन जी पार्ट देख लेते हैं हम। तो हमारे पास जी पार्ट क्या है ये देख लीजिए। जी पार्ट हमें दे रखा है स्टूडेंट्स डेट इज 2 होल्स 1/4 फ्रॉम 5। 5 में से आपको 2 होल्स 1/4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 × 4 + 1/2 फ्रॉम 5। अभी इसको ऐसे ही लिख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 4 = 8 + 1 9/2, 5 - 9/2 उसको सब्ट्रैक्ट करना है। देन एलसीएम आ गया आपके पास 2 आ गया,
यहाँ पर वन है, तो वन से टू को डिवाइड करेंगे, टू आएगा, फाइव की मल्टीप्लाई टू के साथ हो जाएगी 10 माइनस 9, तो आपके पास आ गया 1/2। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। टू ले लिया था तो दोबारा कर लेते हैं, टू मल्टीप्लाई फोर प्लस वन अपॉन फोर माइनस फाइव फ्रॉम फाइव, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 9/4, 5 माइनस 9/4, यहाँ पे वन है तो एलसीएम आ गया आपके पास 4, देन 20 माइनस 9, 20 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11/4। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, 4 से 11 को करेंगे, 4 2 जा 8, 11 में से 8 माइनस किया आपने, कितना आ गया आपके पास 3, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 2 होल्स 3/4, 2 होल्स 3/4 इज़ योर आंसर। देन एच पार्ट देख लीजिए, एच पार्ट हमारे पास क्या है, एच पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एच पार्ट हमें दे रखा है -5/7, -5/7 फ्रॉम 1 होल्स 1/14, तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, -5/7 फ्रॉम 1 मल्टीप्लाई 14 प्लस 1/14, तो कितना आ गया ये, -5/7 फ्रॉम 15/14, तो कर लीजिए 15/14 -5/7, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, आ गया 14, 15 माइनस 7 से 14 को डिवाइड किया 2 आ गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ गया 15 प्लस 10/14, तो 15 में अगर आप 10 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 25, तो आपके पास हो जाएगा 25/14। फॉलोइंग आपको इसको इवेल्यूएट करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है, इसके एलसीएम देखें आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 से 5 को डिवाइड किया यहाँ पे आएगा -1 प्लस 7, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं, -3 -1, तो 7 -4/5, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/5। बी पार्ट देख लीजिए, आपके पास 4 12 -12 8 है, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं कि हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 4 12 8, 2 से कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से कर लिया 1 3 1 आ गया, देन 3 से कर लिया 1 1 1, तो कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इसका जो एलसीएम आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, एलसीएम मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, एलसीएम इक्वल्स टू 24 आ जाएगा। अब हम आगे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम 24 आ गया, तो जब 4 से 24 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कर दीजिए, प्लस 12 से 24 को डिवाइड करेंगे -2 आएगा, तो 11 मल्टीप्लाई -2, देन 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, -3 के साथ आप 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा आपके पास, 6 -22 -9, तो आप पहले ऐड कर लेते हैं, तो 22 में 9 को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास कितना हो गया -31, तो ये तो आ गया हमारे पास -31 प्लस 6/24, तो आपके पास 31 में 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -25/24 इज़ योर आंसर। सी पार्ट देख लीजिए, इसका सी पार्ट है 2/9 -1/18 प्लस 1/3, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा आपके पास 9 18 3। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, 9 9 3 आ जाएगा, 3 से कर लेंगे हम 3 3 1, देन अगेन 3 से करेंगे 1 1 1, तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 आ गया आपके पास एलसीएम। अब आगे देखते हैं हम, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 9 से 27 को डिवाइड करेंगे तो हमारे, बट हमारा 18 है, 18 से 27 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है कि हमारी कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, तो हम दोबारा एक बार एलसीएम करके देख लेते हैं इसका, तो देखिए क्या आएगा इसका एलसीएम, 9 18 3, 2 से कर लेते हैं पहले, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे 2 से इसको करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 9 जो 18 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको किससे करेंगे, नेक्स्ट हम इसको करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 1 जा 3, अगेन 3 से किया 1 1 1, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, एलसीएम आ गया आपके पास 18, 9 से 18 को डिवाइड किया 2 आ गया, उस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे, देन 18 से 18 को डिवाइड किया 1 आ गया, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, 3 से 18 को डिवाइड किया 6 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 6, तो क्या आ गया 4
-1 प्लस 6 अपॉन 18, तो 6 प्लस 4 10, एंड 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9/18। या तो आप इसे इस तरह कर सकते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं 9 से 18 को डिवाइड किया 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 2 में की 4 आ गया, देन 18 से 18 को डिवाइड किया 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 में की हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। देन आगे देखते हैं 3 से मल्टी डिवाइड किया हमने 18 को, 6 आ गया, 6 की मल्टीप्लाई जब आप 1 में करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 1 9 अपॉन 18। आप इस तरह इसको छोड़ सकते हैं।